दोस्तों आमिर खान और विक्रम भट्ट एक बार फिर से एक साथ आने वाले हैं एक मूवी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 1980 में आई थी एक फिल्म गुलाम, जो एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी नजर आए थे और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इसी फिल्म का सेकंड पार्ट अब बहुत जल्द आने वाला है बॉलीवुड में। जी हाँ दोस्तों, विक्रम भट्ट ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो गुलाम 2 को बनाएंगे और आमिर खान भी बिल्कुल तैयार है गुलाम 2 के लिए। और अगर इस फिल्म की एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस बार गुलाम 2 में हमें आमिर खान के ऑपोजिट नजर आने वाला है दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और आमिर खान पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं गुलाम 2 में। और विक्रम भट्ट ने इस मूवी को लेकर बहुत कुछ पहले से ही सोच रखा है, क्योंकि पहले वाली जो फिल्म थी वो थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी, लेकिन इस बार इस फिल्म की सेकंड पार्ट होने वाली है रोमांटिक मिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, मिस्ट्री से भरपूर होने वाली है ये फिल्म। और दूसरी तरफ रोमांस का तड़का लगाएंगे आमिर खान और दीपिका पादुकोण, और उन दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर लाएंगे विक्रम भट्ट। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से विक्रम भट्ट सिर्फ हॉरर फिल्म ही डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सालों से कोई एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इस बार वापस से विक्रम भट्ट अपने लाइन पर आ चुके हैं, वो भी आमिर खान के साथ। और आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आमिर खान ने ये ठान लिया है कि वो साल में 2 से 3 फिल्में करने की सोचेंगे, और वो इस काम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। वो एक फिल्म की शूटिंग खत्म कर दूसरी फिल्म में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, वो लगातार फिल्मों की शूटिंग करते रहेंगे। तो आमिर खान की इसी सोच को देखकर विक्रम भट्ट ने ये डिसाइड कर लिया है और वो आमिर खान को लेकर फिर से गुलाम का सीक्वल बनाएंगे, जो होगा मिस्ट्री एक्शन धमाका से भरपूर। पहली बार हमें देखने को मिल सकती है और पहली बार हमें देखने को मिलेगी दीपिका पादुकोण और आमिर खान एक साथ। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं आमिर खान और दीपिका पादुकोण को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।